हैं वो हमें देखने को मिलने वाली, पिछली बार भी सेम टीम ही थी। क्या बदला सोल की स्क्वाड ले सकती है एफएनए, बट चलिए पायरेट को यहां पे स्पॉट किया गया रॉक्स के द्वारा। पायरेट क्या उनको अंदाजा है एफएनए, वो देखना पड़ेगा। चलिए उनको अंदाजा इस वक्त आने बड़ी युवा को आप देखें, तो आपको देखने को मिलेंगे ऊपर साइड पे, वो चढ़ जरूर चुके हैं एफपीएस। इस चीज का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे चढ़ा बड़े आसानी से जा सकता है, वो जो छोटे छोटे शैक हैं या जो भी चीजें हैं बड़े आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है, तो इस चीज का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ओपन में ना आए, उनके लिए बेहतर रहेगा। बड़ा आप वाइपर को देखें इस वक्त पूरी तरीके से शांत रुके हुए हैं, बड़ी युवा को आप देखें अगेन ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। पूरी टीम को, पूरी एफपीएस की स्क्वाड को यहाँ पे एक साइड पे ढकेला गया, बट क्या युवा ने वहां पे पायरेट को देखा नहीं, मुझे एक बार के लिए लगा शायद वो देख सकते हैं, बट चलिए अब फाइनली पायरेट को स्पॉट किया गया। बिल्कुल, और एक प्लेयर जो पीछे से डीएमआर एक्शन के द्वारा डाउन किया जाएगा, इनफैक्ट वन एस की जो स्क्वाड है वो यहाँ पर आ जाएगी, एंड सोल के युवा जो है वो भी डाउन हो जाएंगे। अब दोनों ही टीम की मुश्किल बढ़ सकती है, बिकॉज वाइपर जो है वो भी यहाँ पर डाउन हमें देखने को मिल जाएगी। टीम सोल से मात्र दो खिलाड़ी बचेंगे, वीरू एक बार फिर से अपनी टीम की जो कमान है वो संभालेंगे। तीन फिनिशर आ चुके टीम सोल के पास, एक आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, उनको भी स्पॉट कर दिया जा चुका है। पहला स्क्वाड एलिमिनेशन यहाँ पर आने ही वाला है, चेस किया जा रहा है एक रैट एंड कैट का गेम। पायरेट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। मीनवाइल यहाँ पर जो प्लेयर नॉक्ड आउट है उनको अभी भी रिवाइवल नहीं दिए गए, अगर वीरू यहाँ पर नॉकआउट होते हैं तो मुश्किल जरूर से बढ़ सकती है, इसीलिए अभी टीम सोल के प्लेयर थोड़ा रुकने देखिए अपने आप को, उन्होंने हील कराया, आगे की तरफ जाएंगे, ग्रेनेड जरूर से फेंका गया लेकिन वो कारगर रहेगा नहीं। पायरेट डाउन, पहले टीम का एलिमिनेशन एंड टीम सोल चार फिनिशर्स के साथ, ये बढ़िया स्क्वाड वाइप, लेकिन वाइपर को वो यहाँ पर जरूर से खो देंगे।